मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मेरा नाम है पंकज, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। सो आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है डीसी डीमिंग। बात करते हैं डीसी डीमिंग। सो थोड़ी देर पहले ही आपने एक छोटा सा वीडियो देखा कि किस तरह से रोहित मेहरा की आंखों में प्रॉब्लम हो गया है। सो ये प्रॉब्लम रोहित मेहरा की आंखों में नहीं बल्कि वर्ल्ड में छोटे से बड़े हर एक लोगों में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आज के रेट में मोबाइल का यूजेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बात करते हैं मोबाइल के यूजेज की, तो आज के डेट में सुबह से लेकर शाम तक हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। सिर्फ रात ही एक ऐसा वक्त होता है जब हम अपने फोन का बहुत ज्यादा यूटिलाइज करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया सर्फिंग करना हो या बुक्स रीड करना हो, वेब सीरीज देखना हो, मूवीज देखनी हो, गेम खेलनी हो। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम रात के वक्त करते हैं और अपने फोन को बहुत ज्यादा समय देते हैं, जिसके वजह से ही आज के डेट में लोगों के आंखों में प्रॉब्लम हो रहा है, हेडेक जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसके लिए ही मैंने ये टॉपिक आज के लिए चुना है, जो है डीसी डीमिंग। डीसी डीमिंग को बताने से पहले मैं बात करना चाहूंगा आज के डिस्प्ले टाइप्स की जो स्मार्टफोन में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आईपीएस डिस्प्ले, एमोलेड, सुपर एमोलेड, ओलेड, एलसीडी डिस्प्ले, बहुत सारे डिस्प्ले जो आपको देखने को मिल जाएगी। बट मैं यूजर्स की बात करूं तो एमोलेड एंड सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो है आज के डेट में यूजर्स का फर्स्ट चॉइस बन चुका है। बात करते हैं एमोलेड एंड सुपर एमोलेड डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के नीचे में एक पैनल लगा होता है जिसपे बहुत सारे लाइट्स लगे होते हैं। जब आप एमोलेड एंड सुपर एमोलेड डिस्प्ले का ब्राइटनेस लेवल 100% में यूज करते हैं तो उसमें जो लाइट्स होते हैं वो ऑटोमेटिक जलते रहते हैं, यानी कि ऑन रहते हैं। बट जैसे ही आप उसके ब्राइटनेस लेवल को 100% से 80, 50, 20 या ब्राइटनेस लेवल को डिक्रीज करते हैं या कम करते हैं, तो उसपे लगे हुए लाइट जो है वो बहुत तेजी से फ्लिक होने लगते हैं, यानी कि बुक बक होने लगते हैं, जिसे आप नॉर्मल आंखों से देख भी नहीं पाते। और वो फ्लिकिंग जो है इतनी तेजी से होता है कि आपको एकदम भी पता नहीं चलेगा। प्रमाणदा सो ये है मेरे घर का एक ट्यूबलाइट जिसे हम दूर से आसानी से देख सकते हैं, लेकिन क्या हम इसे क्लोजली जाकर क्या बहुत देर तक व्यू कर सकते हैं? नहीं। ठीक उसी तरीके से सुपर एमोलेड या ओलेड डिस्प्ले की बात करूं तो देखिए किस तरह से ये फ्लिक हो रहा है। ठीक उसी तरीके से जब आपका ब्राइटनेस लेवल 100 से कम होता है तो ये इतनी ही तेजी से फ्लिक होने लगता है, जिसे कंटिन्यूसली व्यू करने से आंखों में प्रॉब्लम्स आ जाता है। तो देख सकते हैं डीसी डीमिंग ऑन करने के बाद फ्लिकिंग होना पूरी तरीके से बंद हो जाता है। देखा आप लोगों ने किस तरह से आपका स्मार्टफोन का ब्राइटनेस जो है अगर 100% से कम होता है तो कितनी तेजी से फ्लिक करता है, जिसके वजह से ही आपके आंखों में प्रॉब्लम्स आ जाती है। सो एक टाइप से ये आपके आई प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। बात करते हैं आई प्रोटेक्शन मोड की, तो ये ऑलरेडी बहुत पहले से आपके स्मार्टफोन में अवेलेबल है। बट वो क्या करता है, आपके डिस्प्ले में जो तीन कलर होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, सो वो क्या करता है, उस ब्लू पार्ट को पूरा ही खत्म कर देता है, कम कर देता है, जिसके वजह से आपके आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट जो वीडियोज या कोई गेम आप खेल रहे हैं तो वो अच्छी क्वालिटी में आप देख नहीं पाते हैं, सो इसमें आपको ये चीज देखने को मिलता है। बट डीसी डीमिंग क्या करता है, उस पे लगे हुए लाइट्स को जो फ्लिकिंग है उसको बहुत ही कम कर देता है, जिससे आपके आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आई प्रोटेक्शन मोड और डीसी डीमिंग दोनों ही अलग चीज है और अलग हिसाब से आपके आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आज के डेट में आप कोई फोन लेने का प्लान कर रहे हैं और वो स्मार्टफोन एमोलेड या सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आ रही है, सो प्लीज इस चीज को जरूर देखें कि उस फोन में डीसी डीमिंग का फीचर्स है या नहीं। सो होप आप सबों को डीसी डीमिंग एंड आई प्रोटेक्शन के बारे में क्लियर है। अगर अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस करना ना भूले। अगर आप नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आगे भी ऐसा कुछ वीडियो देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूले। सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।